इस तरह से एक एक स्वर के वाइब्रेशंस को अगर आप नियंत्रित करते हुए एक एक सीढ़ी आगे बढ़ लें, जिस दिन सा से लेकर नी तक के सारे स्वरों के सारे वाइब्रेशंस आपने कमांड कर लिए, ऊपर का सा पहुंची और हनुमान जी नहीं दिख जाए सामने बैठे, तो फिर हमको कहिए। तो मंत्र पढ़ते समय जहाँ पर अनुलोम का सांस का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ विलोम नहीं कर सकते, जहाँ विलोम करना है वहाँ अनुलोम नहीं कर सकते। अगर ये ज्ञान नहीं है तो मंत्र उच्चारण ध्वनि में ना करें, वरना उसका भाव गलत हो जाएगा। तो ये बहुत अनिवार्य चीज़ है मंत्रों की, जहाँ तक बात है कि ध्वनि का अनुलोम विलोम का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कब किस अक्षर पर किस मात्रा तक अनुलोम लगेगी, कब विलोम लगेगी। अगर ये नहीं है तो मंत्र अशुद्ध हो जाएगा, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक कारण आज ये प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं कि कलयुग में जितना भजन कीर्तन संकीर्तन हो रहा है इतना सतयुग में भी नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन पीड़ित आज कलयुग में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं, क्यों ये सोचने की बात है। हनुमान जी का एक बीज मंत्र है जी, जिसको आमतौर पर लोग जपते हैं, ओम हम हनुमते नमः। तो ये जो हम है या ह के ऊपर जो बिंदी हंग जो लोग कहते हैं, तो आपके कहने के तात्पर्य है कि इसको आप मन में ही जपें जब तक कि आपकी साधना नहीं है। हाँ, स्वरों की साधना ना हो जाए, जब तक सुर ना सध जाए तब तक ये मन में जपें तो अच्छा है। अच्छा। क्योंकि हम में क्या आ रहा है, हम पहले आवाज़ें नीचे जा रही, सांस का फ्लो ये है और ख़त्म करते समय ये आ रहा है, एक ही पे प्रारंभ ये होना चाहिए और फिर जब वापस आ रहे हैं हम तक पहुँच रहे हैं तब ये आ जाना चाहिए। तब ये देखिए ये पूरा नीचे से ऊपर तक जितने सातों चक्र हैं हमारे, अच्छा, एक ध्वनि हमारी सातों चक्रों को चक्र कवर कर रही है। जब सातों चक्र इस तरह का हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे ये चक्र जागृत होते हैं। बिल्कुल। और अगर ये हमने सही से नहीं किया, हम ऐसे कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नीचे के चक्र तो गए, उनके ऊपर कोई क्रिया नहीं होगी। हमें सातों चक्र जागृत करने, यानी जो हम का उच्चारण हो ये मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर वहाँ तक सहस्त्रार्थ, पहले आवाज़ मूलाधार की तरफ जाएगी भारी होते हुए बेस के साथ वजन के साथ, और फिर वो धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी महन। और इस बात का हम दावा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस साधना के सात स्वर हैं, सात सोपान, सात सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो उसको हनुमान जी वैसे ही नज़र आएंगे जैसे हम और आप आपस में बैठे हुए नज़र आ। अच्छा। कैसे ये हम बता देते हैं। ये प्रश्न हुआ था कुछ लोगों से, हमने एक आदर कहा जो बहुत बड़े अपने को पढ़े लिखे वैज्ञानिक बुद्धिजीवी मानते हैं, वो नहीं मानते कि भगवान कुछ होता है, ऐसे लोगों ने कहा था। तो हमने उनके सामने दावा किया था, तो बोले दिखाइए। तो ये दिखाइए ऐसे भगवान नहीं दिखा सकते कि हमारी जेब में रखा है हमने आपको दिखा दिया। तो हमने उनसे कहा कि ये बताइए चंद्रमा पर आदमी गया है क्या? बोले हाँ। तो हमने कहा हमको ले जाके दिखाइए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं उसका तो एक प्रोसेस होता है पूरा। तो हमने कहा अच्छा, चंद्रमा पे जाने का प्रोसेस होगा और हनुमान जी को पाने का प्रोसेस नहीं होगा। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। Yes, सब सुख लहे तुम्हारी चरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा हो जाए तो जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है। हनुमान जी जो व्यक्ति के जीवन का जो विविध आयाम है उस सब में फिट बैठते हैं, बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आप हनुमान जी को जहाँ ढूंढिए वहीं मिल जाएंगे, संकटों का निवारण करेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं। आप हैं आदरणीय डॉक्टर अनूप कुमार जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आप पेशे से चिकित्सक हैं, संगीत के शिक्षक हैं, और ख़ास करके जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था कि यही हनुमान जी वहाँ विराजमान थे और मेरे मुख से निकला भी था कि क्या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो आज आपसे मेरी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना कुछ हम हनुमान जी के एक अलग आयाम पे हम बात कर लें। चूँकि आप बातों क्रम में बता रहे थे कि आपसे किसी ने पूछा कि आपने संगीत कहाँ से सीखा, तो आपने कहा कि मैंने तो रामायण से सीखा।
जी, तो सबसे पहले भक्तों की जिज्ञासा होगी कि आपके लिए हनुमान जी कौन है? चिकित्सक रहने के नाते सेवा हमारा धर्म है और सेवा ही धर्म हनुमान जी का है। अच्छा, तो हनुमान जी से सेवा का धर्म सीख करके और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए हनुमान जी सर्वोपरि है। और ये हनुमान जी का ये गुण हर किसी को सीखना चाहिए। अच्छा, सेवा, समर्पण, लगन, त्याग, परिश्रम, ये सारे गुण हनुमान जी के अंदर हैं। और जब हम इन गुणों को अपने अंदर साक्षात अपना लेते हैं तभी हम हनुमान के सच्चे भक्त कहलाते हैं। या दूसरे अर्थों में कहें कि इन गुणों का विकास हमारे भीतर क्या हनुमान जी की शरणागति के बाद आता है, चूँकि कुमति निवार सुमति के संगी भी कहा गया है हनुमान जी को। बिना हनुमान जी की कृपा के या बिना ईश्वर की कृपा के हमें लगता है कोई भी बहुत अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तो वो तो आवश्यक है हनुमान जी की कृपा में जा करके सब कुछ प्राप्त करना। और दुनिया गोल है, चाहे आप इधर से इधर जाएँ चाहे इधर से इधर आएँ, आप अगर पहले से समर्पण भावना के साथ प्रयास करते हैं तो हनुमान जी मदद करते हैं। आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो हनुमान जी मदद करके आपको रास्ते बताते हैं। जी, मुझे अभी स्मरण हो रहा है आपकी बातों से, जब आपके घर में हम प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों की तरफ कुछ आपकी बातें वहाँ लिखी हुई नज़र आई, जिसमें एक आपने लिखा है कि सभी सार्थक प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो तो श्रेयस्कर है, अच्छा है कि उसको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ये आपके जीवन का अनुभव है? जी, कर्म प्रधान विश्व है हमारा, तो ईश्वर ने सदैव कर्म करने की बात कही है, तो हर कार्य हमें पहले अपने स्तर पे प्रयास तो करना चाहिए ईश्वर का स्मरण करके। अच्छा, लेकिन अगर किसी कार्य को करते समय हमें सफलता नहीं मिल रही है तो निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मान के कि शायद अभी वो सही समय नहीं है या शायद अभी वो हमारी पात्रता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसके कारण ईश्वर हमें अभी और प्राप्त नहीं होने दे रहा अपने लक्ष्य को, तो उस समय ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ठीक है प्रभु, अब जैसा आप चाहो, हमने अपना प्रयास कर लिया, अब आपकी इच्छा। तो समय आने पर ईश्वर उसका फल देता है। दूसरे अर्थों में कहें कि ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र विकल्प बचता है, अंततः वही होगी। जी, अच्छा, आपसे बातें हो रही थी, आपने कहा कि संगीत की खास करके हम बात करेंगे कि हनुमान जी को संगीत के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा रास्ता है और हनुमान जी को हम संगीत से कैसे जोड़ सकते हैं? जी देखिए, पुराने लोग कह गए हैं एक सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से प्राप्त करते हैं हर चीज़। क्योंकि हमारा क्षेत्र संगीत का है तो हमने हनुमान जी को भी संगीत के दायरे में लेकर के। अच्छा जी, और ये समझने की कोशिश करी कि हम संगीत के माध्यम से हनुमान जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ में तो ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब इसमें अंदर गए तो लगा कि ये तो बहुत सहज है और शायद हनुमान जी संगीत के लिए ही बने। वो कैसे कि राम की प्राप्ति के लिए हनुमान जी चाहिए। अच्छा, है ना, हनुमान के बिना राम की प्राप्ति नहीं होती, हनुमान सेवक हैं उनके, बिनु पैसारे उनके पैर पसारे। हाँ, हम होतना आज्ञा बिनु पैसारे, होतना आज्ञा बिन पैसारे। तो रामायण से हमने संगीत का बहुत सारा ज्ञान लिया और हम ये चाहते हैं कि ये नज़रिया, इस नज़रिए को भी लोग अपनाएं। अच्छा, पहले तो ये आश्चर्य लगता है कि रामायण से संगीत की शिक्षा, लेकिन अगर इस विषय पर गौर करेंगे तो वास्तव में रामायण संगीत का नहीं है। रामायण ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय का ग्रंथ ना हो, अकेली एक पुस्तक से हम बहुत सारे विषय सीख सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे संगीत हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, हर विषय हम संगीत इसके रामायण के माध्यम से सीख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा भारतीय जीवन दर्शन जो है उसमें लिखी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब प्रतीकात्मक हैं। तो हमें प्रतीकों को समझना होगा कि गणेश जी किस चीज़ के प्रतीक हैं, है ना, हनुमान जी किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो अगर हम उस प्रतीक को समझ ले गए
तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने खुल करके एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो हमने सोचा संगीत में गायन हमारा मूल विषय है कि गायन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, हम अपने विद्यार्थियों से सबसे पहले यही पूछते हैं, सब अपने अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। गायन के लिए अनिवार्य चीज़ जो है वो है आवाज़, जिसे हम नाद बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्वनि है। अब ध्वनि को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमने पाया कि हनुमान जी में ध्वनि के बहुत सारे गुण हैं। अच्छा, नाद के, ध्वनि के बहुत सारे गुण हनुमान जी के अंदर हैं। कैसे, इसको हमने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जोड़ते हुए, कोरिलेट करते हुए समझने की कोशिश करी। विज्ञान कहता है, जो ध्वनि विज्ञान है, कि ध्वनि के लिए तीन चीज़ों का होना अनिवार्य है। एक एयर मीडियम, एक उसमें प्रवाह शक्ति प्रेशर, और तीसरा लक्ष्य टारगेट। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो हवा जहाँ नहीं होगी वहाँ ध्वनि नहीं होगी, हम समझ जानते हैं। हवा जब ट्रैवल करती है उसके साथ ही ध्वनि ट्रैवल करती है, ये भी हम जानते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो ध्वनि नहीं हो सकती। और वो वायु जब तक कहीं टकराती नहीं है तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चाहे वो पेड़ से टकरा रही हो, चाहे वो बाहर कपड़े फैले हुए हैं उससे टकरा रही हो, चाहे दीवार से टकरा रही हो, टकराना आवश्यक है। जब वो टकराती है किसी चीज़ से तब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अब यही चीज़ रामायण की हम संगीत में देखेंगे तो हमने माना ये तीनों चीज़ों का समावेश कहाँ पर है। तो हमें ध्यान आता है कि हनुमान जी अपना सीना चीर करके दिखाते हैं तो उसमें राम लक्ष्मण और सीता नजर आते हैं। तो क्या हनुमान जी ध्वनि का प्रतीक हैं, नाद का प्रतीक हैं? कैसे? क्योंकि साइंस कह रही है एयर प्रेशर और मीडियम, वो टारगेट। तो हनुमान जी जो चीर रहे हैं अपना सीना उसमें तीन चीज निकल रही है, राम लक्ष्मण और सीता। राम क्या है? राम प्राण वायु के प्रतीक हैं, इसलिए सीता उनको प्राणनाथ कहती हैं, प्राण को बांध के रखने वाला, ऐसी वायु जो प्राण को बांध के रखने वाली है। आसान भाषा में आज कह सके तो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ना। तो एयर हो गई रामचंद्र जी। प्रेशर मतलब शक्ति प्रवाह, इसके लिए हमारे यहाँ नारी को सर्वशक्तिमान माना गया, नारी सर्वशक्तिमान है। कई लोग इसमें अचरज करते हैं पुरुष की अपनी ईगो पे लेकर के, ऐसा कैसे हो सकता है, नारी सर्वशक्तिमान कैसे हो गई? तो उसके लिए शक्ति के संपूर्ण तत्व को समझना होगा। शक्ति हमारे पास तीन रूपों में है। एक है बाहुबल, जिसका हम सबसे पहले ज्यादातर ध्यान करते हैं। दूसरा है, जब हम किसी को बाहुबल से नहीं जीत सकते तो उसको कैसे जीतेंगे, उसको बुद्धिबल से जीतेंगे। दूसरा है बुद्धिबल। और तीसरा क्या है, जब बाहुबल से भी नहीं जीत पा रहे हैं, बुद्धिबल से भी नहीं जीत पा रहे हैं, तब प्रेम बल, प्रेम से आप सारी दुनिया जीत सकते हैं। और हमारे ग्रंथ यही सिखा रहे हैं। तो बाहुबल में हो सकता है, मान लेते हैं कि पुरुष थोड़ा सा ऊपर है, स्त्री थोड़ा नीचे है, लेकिन ये हमेशा की बात नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गज ढेर हो गए थे, तो ये नहीं कह सकते नारी कमज़ोर है, वो भी शक्ति उनके पास है। 19-20 का अंतर मान सकते हैं, चलो मान लिया, लेकिन अंततः देखेंगे तो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत से उदाहरण हैं अपने भारत में। तो बाहुबल उनका है, पर्याप्त है। दूसरा बुद्धिबल। बुद्धिबल में आज चंद्रमा पर जा रहे हैं तो कमांड महिलाएं कर रही हैं, सारा चंद्रयान। बहुत सारी कल्पना चावला जैसे लोग पहले जा चुके हैं, बुद्धि में कोई कमी नहीं, वो भी वहाँ बराबर की टक्कर दे रही। तीसरा बल जो है वो प्रेम बल। यहाँ पर नारी जो है वो काफ़ी ऊपर हो जाती है पुरुष से। जितना प्रेम बल नारी में दिखता है उतना पुरुष में अपेक्षाकृत नहीं होता। चाहे नारी बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, जिस रूप में देख लीजिए उसके अंदर जो प्रेम की भावना है, पुरुष बल वर्ग किसी ना किसी वजह से कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। गलत है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कदम पीछे नजर आता है। तो जब ये तीनों शक्तियों को हम मिला करके देखते हैं तो हमें लगता है कि नारी सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए नारी की हम पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो शक्ति क्या है? नारी। नारी यहाँ कौन है? सीता। तो एयर हो गई रामचंद्र जी, प्रेशर हो गई सीता जी, और तीसरा है टारगेट। टारगेट का हिंदी अनुवाद करें तो क्या आता है? लक्ष्य।
तो लक्ष्य जो हम मन से निर्धारित कर रहे हैं है ना, ये है कौन, लक्ष्मण। तो ये तीनों फैक्टर हनुमान जी के सीने में दिख रहे हैं हमें, जो फिजिक्स का सिद्धांत बता रहा है। तो यहाँ से हमें लगा कि नहीं, हनुमान जी जो है वो नाद का प्रतीक है। ये सिंबल जो हम समझ में आ रहा है, हनुमान जी नाद के सिंबल हैं, ध्वनि के सिंबल हैं। तो हनुमान जी को प्राप्त करने का माध्यम, क्योंकि हमारा संगीत है, तो बड़े आसानी से हम ध्वनि के माध्यम से प्राप्त कर सकते। थोड़ा सा एक व्यवहारिक हम चाहते हैं कि जिज्ञासा भक्तों की तरफ से आ रही होगी कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में गायन को प्राथमिकता दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की शुरुआत में कहते हैं कि गाइए गणपति जगबंदन, गाने की बात करते हैं जी। तो जो भक्त आपको सुन रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनके मन में आ रहा होगा कि हम हनुमान जी को गायन से या ध्वनि से, ये किस प्रकार से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं? ध्वनि की साधना करके, संगीत साधना है। साधना मतलब साध लेना, कमांड कर लेना। तो अगर हनुमान जी को हमें पाना है, उनको साध लेना है, तो माध्यम है ध्वनि। कैसे? हनुमान, इनका एक नाम है हनुमान जी का, हनुमान। हनु बोलते हैं ठोड़ी को। तो ठोड़ी को क्राइटेरिया मान करके ध्वनि का प्रयोग करें और उसको साधने की कोशिश करें। जैसे हमिंग हम करते हैं, अब इस ध्वनि को हमें कमांड करना है किस तरह से, कि पूरी ध्वनि जो है एक प्रवाह में बिना हिले डुले जाने लगे। जैसे जैसे हम बिना हिले डुले इस ध्वनि का अभ्यास करते जाएंगे, धीरे 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 हम हनुमान जी के नज़दीक आते चले जाएंगे। तो हनुमान के रूप में हम हनुमान जी का, यानी हूँ जो ये ध्वनि है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि ओम हूँ हूँ हनु हाक देत कपि चंचल जी, इस ध्वनि का उन्होंने प्रयोग किया है। सारे मंत्रों में ये हूँ आता है अवश्य। तो ये बता रहे हैं कि ये हमिंग के माध्यम से हम ध्वनि में हमिंग करके हनुमान जी के नज़दीक पहुँच सकते हैं। अच्छा, आप बातों के दरमियान आप बता रहे थे कि जो संगीत की पूरी साधना जो सात स्वरों की है वो सब हनुमान जी में समाहित है जी। हम चाहते हैं कि एक बार उस पर भी प्रकाश डालें जी। हनुमान जी ने ऐसा कहा, एक बार प्रकरण आता है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। अब इन बातों को समझने के लिए हमें भारतीय जीवन दर्शन को, इंडियन फिलॉसफी को समझना ज़रूरी होगा। भारतीय जीवन दर्शन जो है उसका मूल है पंच तत्व, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्व। उसके बाद बुद्धि और फिर आत्मा। तो हनुमान जी के अंदर ये सारे स्वर किस तरह से हैं? जैसे अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पांच चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। इन पांच तत्वों को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से देखें, तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये पांच हो गए, इधर सा रे गा मा पा ये पांच स्वर हो गए। तो पहला स्वर सा, सा प्रतीक किसका, यहाँ भी हमें प्रतीक ही देखने पड़ेंगे। सा प्रतीक अग्नि का। अच्छा, अग्नि सूर्य से, तो सा बराबर अग्नि या सा बराबर सूर्य, जिसको कि हनुमान जी ने निगल लिया। तो सा को तो उन्होंने पहले ही निकल लिया, सा को उन्होंने पहले ही कमांड कर लिया है ना। दूसरा है अग्नि जल, रे क्या है, जल तत्व है। ग वायु, सारे गा अग्नि जल वायु ना, गा से गांधार, गान मतलब गाने का आधार क्या है, वायु। बिना वायु के आप नहीं गा सकते। माँ मध्यम पृथ्वी तत्व और पा पंचम आकाश तत्व। ये पांचों तत्व स्वरों में समाहित हैं और ये स्वरों को हम हनुमान जी के माध्यम से ही पा सकते हैं, हमिंग करके या संगीत का या ध्वनि का अभ्यास करके ही पा सकते हैं। तो उनसे जब पा सकते हैं तो वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ही हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है, तो ये संगीत तो उनमें समाया ही हुआ है। जी जी। अच्छा, एक और मेरे मन में भी जिज्ञासा आ रही है, चूँकि आमतौर पर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इस तरह के शब्द मिलते हैं जिसका कोई अर्थ स्पष्ट तौर पे उस वक्त नहीं होता, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये संगीत से इसका संबंध है और इससे हनुमान जी की प्राप्ति हो सकती है। तो जो लोग भी इस तरह के मंत्रों की साधना करते हैं तो क्या उनके लिए भी ये स्वर साधना आवश्यक है क्या, कि उस विशेष ध्वनि का उच्चारण वो सही तरीके से कर पाए? देखिए, जितने भी अच्छे मंत्र जाप करने वाले होंगे वो हमेशा ये कहते हैं कि मंत्र का जाप हमेशा अपने मन में करें। अच्छा, बोल करके नहीं करें, अजपा जिसे कहते हैं। हाँ, उसको मन ही मन करें। ध्वनि आपकी निकलनी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ध्वनि पर नियंत्रण हर किसी का नहीं होता है। अच्छा,
और ध्वनि के दो रूप होते हैं हर जगह, एक अनुलोम और एक विलोम। तो अनुलोम और विलोम का ध्यान हमें रखना है संगीत के किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय, कि कब कौन सा स्वर अनुलोम सांस के साथ हमें गाना है, बोलना है, और कब कौन सा स्वर विलोम के साथ हमें गाना या बोलना है। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो भाव पलट जाता है, ईश्वर के पास शब्द नहीं जाते हैं। ईश्वर की भाषा क्या है? भाव। तो अगर हम कोई शब्द अनुलोम में करना है तो भाव ये आ रहा है, और हम उसको विलोम में कर रहे हैं तो भाव तो बदल गया। तो मंत्र पढ़ते समय जहाँ पर अनुलोम का सांस का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ विलोम नहीं कर सकते, जहाँ विलोम करना है वहाँ अनुलोम नहीं कर सकते। अगर ये ज्ञान नहीं है तो मंत्र उच्चारण ध्वनि में ना करें, वरना उसका भाव गलत हो जाएगा। तो ये बहुत अनिवार्य चीज़ है मंत्रों की, जहाँ तक बात है कि ध्वनि का अनुलोम विलोम का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कब किस अक्षर पर किस मात्रा तक अनुलोम लगेगी, कब विलोम लगेगी। अगर ये नहीं है तो मंत्र अशुद्ध हो जाएगा, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक कारण आज ये प्रत्यक्ष में आप देख रहे हैं कि कलयुग में जितना भजन कीर्तन संकीर्तन हो रहा है इतना सतयुग में भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन पीड़ित आज कलयुग में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं, क्यों? ये सोचने की बात है कि हम भजन तो गा रहे हैं लेकिन भजन कैसे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ईश्वर तक क्या पहुँच रहा है, ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए, अपनी मस्ती के लिए गाए जा रहे हैं बस। तो ईश्वर तक उसका प्रभाव गलत पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? जब तक ईश्वर का सही भाव नहीं पहुंचेगा तब तक ईश्वर हमको भी सही परिणाम नहीं दे पाएगा। वो तो वही देता है जो हम उसके पास भेजते हैं, उसी के अनुरूप परिणाम देता है। जी जी जी। तो मंत्रों के उच्चारण के समय ये बहुत अनिवार्य है कि संगीत की शिक्षा और व्यापक शिक्षा होनी ज़रूरी है। अनुलोम विलोम स्वरों का, सांस का उपयोग करना आना चाहिए, उसके बाद ही मंत्रों का सही उच्चारण सही फल मिल पाएगा। जी जी, आपसे तो चूँकि ये पहली बातचीत हो रही है और आपके विविध आयामों को किसी एक कार्यक्रम में समेटना इतना आसान नहीं है जी। लेकिन चूँकि आपकी बातों से जिज्ञासा और मेरी बढ़ गई। जैसे हनुमान जी का एक बीज मंत्र है जी, जिसको आमतौर पर लोग जपते हैं, ओम हम हनुमते नमः। तो ये जो हम है या ह के ऊपर जो बिंदी हं जो लोग कहते हैं, तो आपके कहने के तात्पर्य है कि इसको आप मन में ही जपें जब तक कि आपकी साधना नहीं है। हाँ, स्वरों की साधना ना हो जाए, जब तक सुर ना सज जाए तब तक ये मन में जपें तो अच्छा है। अच्छा। क्योंकि हम में क्या आ रहा है, हम पहले आवाज़ें नीचे जा रही, सांस का फ्लो ये है, और ख़त्म करते समय ये आ रहा है, एक ही पे प्रारंभ ये होना चाहिए, और फिर जब वापस आ रहे हैं हम तक पहुँच रहे हैं तब ये आ जाना चाहिए। तब ये देखिए, ये पूरा नीचे से ऊपर तक जितने सातों चक्र हैं हमारे, अच्छा, एक ध्वनि हमारी सातों चक्रों को चक्र कवर कर रही है। जब सातों चक्र इस तरह का हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे ये चक्र जागृत होते हैं। बिल्कुल। और अगर ये हमने सही से नहीं किया, हम ऐसे कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नीचे के चक्र तो गए, उनके ऊपर कोई क्रिया नहीं होगी। हमें सातों चक्र जागृत करने, यानी जो हम का उच्चारण हो ये मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर वहाँ तक शस्त्रार्थ, पहले आवाज़ मूलाधार की तरफ जाएगी भारी होते हुए बेस के साथ वजन के साथ, और फिर वो धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी महन। जैसे इसीलिए पिरामिड के आकार में इसको दर्शाया जाता है, पिरामिड मतलब पहले नीचे बड़ा फिर ऊपर धीरे धीरे महन होते हुए एकदम नुकीला। ये भाव हमें लेके आना, इस भाव के साथ हम मंत्र करेंगे तभी जितने यंत्र बनते हैं, देखिए ना उसमें त्रिभुज कहीं बनाया, कहीं चौकोर बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है, कहीं षटकोण है, कहीं अष्टकोण है, उनके पीछे यही एक भाव है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि वो मन में ही जप करें, या फिर अगर वो उसको सीखना चाहें, जैसे हर व्यक्ति तो संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ले सकता और कई बार एक सद्गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करें, ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? देखिए, इसी के लिए संगीत के क्षेत्र में घरानों का चलन है, और आज घराने सीमित हो गए, सिखाने वाले सीमित हो गए। आजकल स्कूल विद्यालय व्यवस्था चल गई है, ट्यूशन व्यवस्था चल गई है, जहाँ पर कि शिक्षा देने वालों को भी उतनी बारीकी से ज्ञान नहीं है। वो तो बस राग सिखाए जा रहे हैं, ताने लिखा दिए, अलाप करा दिए, कोर्स के हिसाब से वो सारा उन्होंने संगीत सिखा दिया, हो गया। उतना सीखते सीखते दो चार भजन गाने लगे तो हमने सोचा हम कलाकार हो गए ना? ये तरीका जो है ये संगीत की दृष्टि से या आध्यात्मिक शक्ति पाने की दृष्टि से उचित नहीं है। ये उसी तरह है जैसे मंदिर जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, उनका कोई आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो उसके लिए वही आप हमिंग करें खूब खूब सांस भर के। तीन चीज़ें हमने बताई, आवाज़ के तीन बेस मेन फैक्टर हैं, यही तीनों फैक्टर आपको मजबूत करने हैं, इन्हीं से आपका संगीत ज्ञान अपने आप धीरे 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 होने लगेगा। और जब ये करके आप आगे बढ़ने लगेंगे तो बाकी कृपा तो हनुमान जी कर ही देंगे फिर। जी, हमिंग करें का मतलब कि हम का हाँ, ये करें सांस पूरी भर के ध्यान देंगे तो यही ओम का नाद है। अच्छा, जो मूल नाद है ओम वो यही है। ओम ओ उम तीन अक्षरों से मिलके बना है। ओ मतलब ओज स्थल, उ मतलब उदर और ओ हृदय स्थल, म मतलब मस्तिष्क। तो जो ध्वनि, जो वायु, जो सांस हमारी नीचे से होकर मंदर से होकर के एकदम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए मस्तिष्क तक जाती है, वही ओम है। अब इसको अनेक रूप में हम ले सकते हैं ओम ध्वनि को, वही हूँ हम जो करते हैं ना, वो यही नीचे से ऊपर जा रही है आवाज़। मतलब आवाज़ को नीचे से ऊपर ले जाने की हमें अभ्यास करना है ताकि सातों चक्र को टच करते हुए वो ध्वनि जाए, वो सांस जाए, तब हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। तभी हम उस मंत्र जप को जब करते हैं तो उसका एक पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तब और आपने सही कहा कि आजकल भजन कीर्तन तो काफ़ी होता है लेकिन उसी अनुपात में लोगों की पीड़ाएँ भी काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक और आपसे बातचीत के क्रम में जो मुझे सुनने को मिला, आपने कहा कि जो सातों सुर हैं वो हनुमान जी में समाहित हैं। हाँ, हमें चाहते हैं कि वो कौन कौन से सुर और हनुमत चरित्र में वो सुर कहाँ दिखाई देता है। हनुमान जी का चरित्र देखें अगर हम, तो जैसा हमने बताया सूर्य को तो उन्होंने निगल ही लिया था, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये पाँचों तत्व तो उनके नियंत्रण में है ना। उसके बाद सारे गामा पा के बाद ध नी और फिर से सा। तो ध क्या है, ध को हम धैवत बोलते हैं, धैवत मतलब जो निरंतर चलता रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो निरंतर चलती रहती है, वो है काल, समय। समय को हनुमान जी ने अपने अंदर समेट लिया, नियंत्रित कर लिया। रात में जाना था, सुबह वापस लौट के आना था, कहाँ से, लंका से हिमालय एकदम अपोजिट, तो समय को नियंत्रित किया ना, तभी तो वो इतनी दूर जाकर के लेके पहले आ जाना था, लौट के आ जाना था। आ जाना ये तो आसान काम नहीं, आज भी हवाई जहाज से भी जाएंगे तो भी शायद ना लौट पाएंगे। तो ये समय को उन्होंने नियंत्रित किया, काल को नियंत्रित किया, तो धा उनके अंदर है ऑलरेडी। नी निषाद, निषाद प्रतीक है बुद्धि का, इसलिए नी को निर्णायक बोलते हैं, जज बोलते हैं ना, और जज न्यूट्रल होता है हमेशा। तो नी जो है वो निषाद बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि तो हनुमान जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वही सुरसा के मुंह में गए और बड़ा मुंह किया, जब उसने बड़ा कर लिया तो छोटा करके निकल आए। कब छोटा करना है और छोटा करके लंका के गेट से नीचे से घुस गए, कब बड़ा करना है बड़ा करके दिखा दिया मार के अतिकाय को, है ना। तो ये उनके गुण हैं, ये सातों गुण उनके अंदर, और फिर उसके ऊपर सा फिर से रिपीट हो रहा है, नीचे ला सा, जो नीचे अग्नि है वही ऊपर आत्मा है। तो आत्म तत्व तो है उनके अंदर, सारे स्वर उनके अंदर समाहित हैं। तो संगीत की साधना हनुमान जी के माध्यम से बहुत अच्छे से की जा सकती है। जी, आमतौर पे ये देखा जाता है कि संगीत के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से मन को स्थिर करने में सफलता प्राप्त होती है। और कहा कि गया है कि संगीत के माध्यम से हम ईश्वर को जल्द पा सकते हैं, एक सशक्त माध्यम है संगीत। जी, तो एक आम व्यक्ति, जो आम लोग हैं, जो संगीत के जो शुरुआती जो उसके आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में जो परिचित नहीं है, ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी कि वो अपने मन को स्थिर करके, जैसा कि आपने कहा कि पहले तो मंत्र उच्चारण के लिए भी चाहिए कि उसका आपको अभ्यास होना चाहिए, तभी उसके लिए उचित पात्र होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी। पहली चीज़ तो कोई व्यक्ति ये ना समझे कि हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं। अगर आप साधारण अपने को समझते हैं तो साधारण ही प्राप्त कर पाएंगे, फिर विशिष्ट चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले ये मानना होगा हम साधारण नहीं हैं। अगर आप ईश्वर के शरण में जा रहे हैं तो फिर आप साधारण कहाँ रह गए, कहाँ कमी जाके राम धनी, राम जैसा धनवान है तो हमें कमी किस बात की है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत साधारण हैं, तो इसका मतलब अभी आप राम के भक्त नहीं हुए, हनुमान के भक्त नहीं बने हैं। हाँ, विनम्रता के लिए ये ठीक है जी, विनम्र होना हनुमान जी का गुण है, विनम्रता के नाते ये कहना ठीक है, लेकिन अपने को समझ लेना ये उचित नहीं। दूसरी चीज़, जब हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो हमें चाहिए हम ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें, ताकि वो ना मिले तो उसके बाद वाला तो मिल जाए। तो ईश्वर को प्राप्त करना कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसका बहुत आसान रास्ता ढूंढना ये उचित नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा, लगन दिखानी पड़ेगी, समर्पण दिखाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा,
तब उस लक्ष्य को पा सकते हैं। उसके लिए ये बारीक चीज़ों को समझना अच्छा होगा। वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के सभी तरह के तरीके हैं, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, भक्ति योग सबसे आसान माना गया, तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम खाली अगरबत्ती जला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, वो नहीं। भक्ति का मतलब बिल्कुल भय मुक्त हो जाए। भय मुक्त हो गए होंगे कब, जब हमें होगा कि हमारे पीछे तो ईश्वर है। बिल्कुल, गाजियाबाद शहर में हम रह रहे हैं, अगर डीएम हमारा मित्र हो गया, हमारा शिष्य हो गया, है ना, तो हमें क्या भय लगेगा गाजियाबाद में? नहीं, तो वो तो पूरी दुनिया का डीएम है। तो जब उसके अंदर में आप आ गए, उसके सानिध्य में आ गए, तो फिर भय कैसा? तो सबसे पहले भय मुक्त होना है और अपनी चिंताओं को सब ईश्वर को समर्पित कर देना है। भय मुक्त होकर के ईश्वर की साधना करिए, हनुमान जी की साधना करिए, देखिए कैसे। अब जिन लोगों को विधिवत जाना है, थोड़ा कठिन मार्ग जो ज्ञान का मार्ग है, तो उसमें बहुत सीधा सा तरीका है और वो भी वैज्ञानिक तरीका। और इस बात का हम दावा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस साधना के सात स्वर हैं, सात सोपान, सात सीढ़ियाँ चढ़ जाए, तो उसको हनुमान जी वैसे ही नज़र आएंगे जैसे हम और आप आपस में बैठे हुए नज़र आ। अच्छा, कैसे ये हम बता देते हैं। ये प्रश्न हुआ था कुछ लोगों से, हमने एक अदर कहा जो बहुत बड़े अपने को पढ़े लिखे वैज्ञानिक बुद्धिजीवी मानते हैं, वो नहीं मानते कि भगवान कुछ होता है, ऐसे लोगों ने कहा था। तो हमने उनके सामने दावा किया था, तो बोले दिखाइए। तो ये दिखाइए, ऐसे भगवान नहीं दिखा सकते कि हमारी जेब में रखा है, हमने आपको दिखा दिया। तो हमने उनसे कहा कि ये बताइए, चंद्रमा पर आदमी गया है क्या? बोले हाँ। तो हमने कहा हमको ले जाके दिखाइए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसका तो एक प्रोसेस होता है पूरा। तो हमने कहा अच्छा, चंद्रमा पे जाने का प्रोसेस होगा और हनुमान जी को पाने का प्रोसेस नहीं होगा, वो बिना प्रोसेस के मिल जाएंगे। तब वो शांत हुए। तो ये प्रोसेस क्या है, हर स्वर के वाइब्रेशंस, ध्वनि तरंगे निर्धारित होती हैं। हमने खाली सा बोल दिया तो ये सा नहीं कहलाता। सा ध्वनि तब होगी जब पर सेकंड 240 वाइब्रेशंस लगातार चल रहे हैं। एक सेकंड में 240 बार आवाज़ वाइब्रेट हो रही है। ये साधना हमें करनी होती है कि हमने सा को कमांड किया, इसका मतलब हर सेकंड में 240 वाइब्रेशन है, नाप के देख लो, ना 245 जाएंगे ना 235 आएंगे। इस तरह का कमांड करके पहला दिखा लीजिए सा। जब सा हो जाए तब रे के 270 वाइब्रेशंस, गा के 300 वाइब्रेशंस, है ना, इस तरह माँ के 400 वाइब्रेशंस। इस तरह से एक एक स्वर के वाइब्रेशंस को अगर आप नियंत्रित करते हुए एक एक सीढ़ी आगे बढ़ लें, जिस दिन सा से लेकर नी तक के सारे स्वरों के सारे वाइब्रेशंस आपने कमांड कर लिए, ऊपर का सा पहुँचिए और हनुमान जी नहीं दिख जाए सामने बैठे, तो फिर हमको कहिए। ईश्वर की प्राप्ति के कई माध्यम हैं, जैसा कि आपने बताया, उसमें से संगीत भी सशक्त माध्यम है। आपने कहा कि सात सुरों पे हमारा नियंत्रण हो जाए, हम उसको साध लें, तो हनुमत दर्शन भी संभव है। ये भी संभव हो जाता है। और आगे कड़ी में हम आपसे और विस्तार से बात करेंगे, ये तो पहली मुलाकात आपसे है। हम लोगों ने जो जो जिज्ञासाएँ आती गई आपके सामने हम रखते गए, एक आखिरी जिज्ञासा आपके जीवन के अनुभवों को लेकर के होगी कि अब तक आपने अनुभव में क्या पाया है। एक तो हम लोगों ने शुरू में कहा कि सभी सार्थक प्रयास करने के बाद जब आप चूक जाएं तो ईश्वर पे छोड़ दें, तो ये कृपा पक्ष कितना महत्व रखता है आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से शायद सर्वाधिक के नज़दीक। लेकिन ये मान के चलना होगा, ईश्वर की कृपा तभी होती है जब हम ईश्वर के अनुकूल अपने भाव ले आते हैं। ईश्वर के अनुरूप हमें अपने भाव, अपने क्रिया, अपने कलाप ये सब करने होंगे। अगर ये कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है, कोई संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। और बिना ईश्वर की कृपा से हमें नहीं लगता है कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती। यानी पहला कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। पहला तो कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, और उसके बाद ईश्वर की कृपा। फिर दूसरा कदम ईश्वर बढ़वाता है, इसमें संदेह नहीं। और हम चाहते हैं कि पहला कदम कोई बढ़ा दे फिर हम दूसरा रखें। हम बड़े सुरक्षित होकर चलना चाहते हैं, होशियार बन के चलना चाहते हैं। नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर समर्पण है, हमारे अंदर त्याग है। तब आप ये दिखाइए, ईश्वर अगला कदम रखा देगा। फिर एक आप कदम आप रखिए, फिर ईश्वर अगला कदम रखा देंगे। ये उसकी सेवा हमेशा खुली हुई है सबके लिए, जितनी चाहे ले ले, जो चाहे सो ले, लेकिन ये समर्पण दिखाना पड़ेगा। तब उसके बाद ये यात्रा क्रम तब आगे बढ़ेगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। जी जी,
आपके सुनने के बाद निश्चित तौर पर भक्तों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि आपके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले कि आपके भीतर इस तरह के भाव कैसे प्रकट हुए, कैसे आपने जाना कि इन सात सुरों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हम अगली कड़ी में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सियाराम।